वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दवा संबंधित जानकारियों के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक आयुर्वेदिक औषधि अश्वगंधा के बारे में जानेंगे। अश्वगंधा क्या है, कहां पाया जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है, इसके गुण क्या हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं और अश्वगंधा किन किन रोगों में उपयोग किया जाता है, तो आइए शुरू करते हैं। अश्वगंधा का पौधा आमतौर पर हमारे देश के सभी राज्यों में पैदा होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मनसा तहसील में इसकी पैदावार सबसे अधिक होती है। अश्वगंधा में घोड़े के पेशाब जैसे गंध आने के कारण इसका नाम अश्वगंधा पड़ा है। जैसे जैसे इसकी जड़ सूखती जाती है, वैसे वैसे इसकी गंध भी दूर हो जाती है। अश्वगंधा का पौधा सदाबहार तथा झाड़ीदार 2 से 4 फुट लंबा होता है, लेकिन इसकी जड़ ही औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। जड़ ऊपर से मटमैली, अंदर से सफेद, कठोर, मूली की तरह मोटी, पतली और 4 से 8 इंच लंबी होती है। जड़ को छाया में सुखाकर प्रयोग में लाया जाता है। अश्वगंधा के पौधे पर एक साथ 5 फूल चूड़ाकार गुच्छे में निकलते हैं। फूलों का रंग पीला और हरा लिए हुए होता है। इसका फल 2 से 3 इंच के गोलाकार दूध युक्त होते हैं, जो कि पकने पर रस भरी के समान लाल रंग के हो जाते हैं। इसके बीज पीले रंग के छोटे, चपटे और चिकने होते हैं। अश्वगंधा को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे हिंदी में अश्वगंध, संस्कृत में अश्वगंधा, अंग्रेजी में विंटर चेरी और लैटिन में विथेनिया सोमनीफेरा कहा जाता है। आइए अब अश्वगंधा के गुणों के बारे में जानेंगे। अश्वगंधा एक बलकारक, पुष्टिकारक और शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने वाली जड़ी है। आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा हल्की, तिक्त, कटु, मधुर रस युक्त, गर्म तासीर की, कफवात शामक, अत्यंत वीर्यवर्धक, बलवर्धक रसायन, कसैली, कड़वी, कांतिजनक है। साथ ही कृमि, सूजन, वड, खांसी, श्वास, क्षय, सफेद कुष्ठ, आमवात नाशक जड़ी है। इसके अलावा मांसवर्धक, स्तन्यवर्धक, गर्भधारण में सहायक है और ये स्त्री पुरुष की काम शक्ति बढ़ाने तथा कमर दर्द को दूर करने में बहुत प्रभावी है। वीर्य के पतलापन को दूर करती है। इस जड़ी को लगातार 1 वर्ष तक सेवन करने से शरीर निर्विकार बन जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह उत्तम पौष्टिक जड़ी है। इसकी रसायन संगठन ज्ञात करने पर पता चलता है कि अश्वगंधा में एनाहिग्रीन, पुसीहोइग्रीन, एनाफेरिन, ट्रियोडोस्पिन, टासोमिनट्रोपिन, सोमनीफेरिन आदि क्षारीय तत्व पाए जाते हैं, जो बल कारक रसायन निद्राजनक गुण रखते हैं। इसके अलावा स्टार्च, शर्करा, अम्ल, ग्लाइकोसाइड, एमिनो एसिड पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि अश्वगंधा का विभिन्न रोगों में प्रयोग और फायदे क्या क्या हैं। माइग्रेन, जिसे आधे सर का दर्द भी कहा जाता है, अगर माइग्रेन हो गया हो तो अश्वगंधा का ताजा जड़ या फिर पानी में 1 से 2 घंटे तक भिगोकर जड़ को पत्थर पर घिसकर लेप बना लें और माथे पे लगाएं तथा साथ ही दिन में 2 बार अश्वगंधा का चूर्ण 1-1 चम्मच की मात्रा में 1 कप दूध के साथ सेवन करें, माइग्रेन में आराम मिलता है। लाइकोरिया में अश्वगंधा का चूर्ण और मिश्री 1-1 चम्मच मिलाकर 1 कप गर्म दूध के साथ सुबह शाम नियमित रूप से कुछ हफ्तों तक सेवन करने से लाइकोरिया की शिकायत भी दूर होगी, साथ में शारीरिक दुर्बलता भी समाप्त हो जाएगी। जिन लोगों को नींद नहीं आती, उनको सोने के समय से 1 घंटे पहले 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को घी तथा शक्कर में मिलाकर 1 कप दूध के साथ सेवन करें।
आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं। याददाश्त की कमी हो तो अश्वगंधा और ब्राह्मी का चूर्ण एक एक चम्मच मिलाकर 2 चम्मच शहद के साथ सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। अगर बच्चा दुबला पतला है तो अश्वगंधा का 1/2 चम्मच चूर्ण और 1 चम्मच देसी घी को 1/2 कप दूध में मिलाकर सुबह शाम खाने के बाद नियमित पिलाने से बच्चे का दुबलापन ठीक हो जाता है। कमर दर्द में अश्वगंधा और विदारी कंद समान मात्रा में मिलाकर इसमें 2 गुना मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लें और 1 चम्मच दिन में 3 बार सेवन करने से कमर दर्द में राहत मिलता है। बादी बवासीर में अश्वगंधा 1/2 चम्मच, काले तिल 2 चम्मच और मक्खन 1 चम्मच, इन सबको मिलाकर सुबह खाली पेट नियमित रूप से 2 हफ्तों तक सेवन करने से फायदा मिलता है। महिलाएं जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उनको अश्वगंधा, मुलेठी, सतावर, विदारी कंद को बराबर की मात्रा में लेकर पीस लें और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार 1 कप दूध के साथ सेवन करने से शरीर में ताकत व दूध की वृद्धि होती है। वीर्य वृद्धि हेतु 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, 1/2 चम्मच शुद्ध देसी घी और 2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट मिश्री मिला दूध 1 गिलास नियमित रूप से कुछ माह सेवन करें। आश्चर्यजनक फायदे दिखाई देते हैं। हार्ट पेन में अश्वगंधा और बहेड़ा समान मात्रा में मिलाकर गुड़ के साथ गोली बना लें। बेर के बराबर बनी गोली दिन में 3 बार लें। दर्द में आराम मिलता है। बॉडी में पावर और स्टेमिना बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का महीन चूर्ण 2 गुनी मात्रा के शुद्ध देसी घी में मिलाकर रख लें। 1 चम्मच की मात्रा 1 कप दूध के साथ दिन में 2 बार नियमित रूप से सेवन करें। मार्केट में अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा गुगुल, अश्वगंधा घृत, अश्वगंधा तेल आदि उपलब्ध हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।